क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पे तीन टर्म है, ये टू डिग्री टर्म है, वन डिग्री टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो तीन फंक्शंस का ये सम है, ठीक है। एक आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया, लीनियर हो गया, ये क्वाड्रेटिक टर्म हो गया और पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। खैर, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, आपका लीनियर ऑपरेटर होता है। तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पे, तीनों फंक्शन पे, बी एक्स डी एक्स और प्लस सी डी एक्स। कई बार जब आप शुरू में सीख रहे होते हैं तो आप इंटीग्रेशन की साइन लगाते हो और dx छोड़ देते हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करिए। थोड़ी स्लो सीखिए, कोई फास्ट सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखा करिए। खैर, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन हो या डिफ्रेंशिएशन हो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी, बाहर आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स डी एक्स हो जाएगा और प्लस सी, यहाँ हम बाहर कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, वन डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको तीन इंटीग्रेशन ऑपरेट करने हैं, एक एक्स स्क्वायर डी एक्स है, दूसरा एक्स की पावर वन डी एक्स है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट मतलब वन है और वन सोचिए किसका एंटी डेरिवेटिव होता है, मतलब एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन। तो एक्स का जो एंटी वन का एंटी डेरिवेटिव आपको हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स की पावर वन है तो इन दोनों ही जगह पे एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा और एक्स की पावर एन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, प्लस इंडेफिनिट कांस्टेंट होता है, तो हर इंटीग्रेशन में एक सिंगल इंडेफिनिट कांस्टेंट हम हमेशा आंसर में ऐड कर दिया करेंगे, बीच में अलग अलग हमें इंडेफिनिट कांस्टेंट ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, तो ये एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन मतलब थ्री अपॉन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा बी, यहाँ एक्स की पावर वन है तो इसमें एक पावर इंक्रीज कर जाएगी, वन प्लस वन टू हो जाएगा अपॉन वन प्लस वन टू हो जाएगा, प्लस सी एक्स है ही है और एक इनडेफिनिट कांस्टेंट ऐड कर देंगे और उसका नाम सी देखिए रखेंगे, है नहीं क्योंकि सी पहले से पड़ा हुआ है तो कुछ सी डैश रख देते हैं ना, कुछ एक कांस्टेंट आपका सिंबलिज्म होना चाहिए कि सिंबल है कि क्या आप कांस्टेंट ऐड कर दे रहे हो। तो आपका आंसर क्या हो गया फाइनल, ए एक्स क्यूब, ये जो भी फाइनल एक्सप्रेशन, दैट इज योर फाइनल आंसर।